पिताश्री, माता का वास तो 51 शक्ति पीठों में भी है, वो सभी तो माता आदिशक्ति की शक्ति स्थली ही है ना? तो माता के सभी स्थानों में विंध्याचल पर्वत ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि पुत्र, देवी आदिशक्ति के समस्त शक्ति पीठों में देवी आदिशक्ति अपने एक ही अंश में प्रतिष्ठित है, इसलिए इन शक्ति पीठों में देवी के दर्शन भी आंशिक ही होते हैं, किंतु विंध्याचल में तो देवी आदिशक्ति अपनी संपूर्णता में विराजमान है। और विंध्याचल का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि वहाँ त्रिकोण शक्ति यंत्र भी स्थापित है। त्रिकोण शक्ति यंत्र? हाँ पुत्रो, त्रिकोण शक्ति यंत्र के कारण वहाँ की एक अनूठी महिमा है। वहाँ एक और काली खो में देवी महाकाली का वास है, दूसरी ओर अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी माता का वास है, और मध्य में देवी विंध्यवासिनी स्थित है। और इस प्रकार वहाँ तीनों देवियों के एक साथ होने पर वहाँ शक्ति त्रिकोण उत्पन्न होता है। इसीलिए स्थान त्रिकोण तपस्थली के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि यहाँ जो भी तप करता है उसे शक्ति त्रिकोण की दिव्यता के कारण अपने तप का फल तत्काल प्राप्त